सो हेलो गाइस, मैं हूँ देव और आज हम बात करने वाले हैं सेरिकल्चर या फिर रेशम कीट पालन के बारे में। रेशम कीट पालन रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उसी को ही रेशम उत्पादन या फिर सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं भी निर्मित की जाती हैं। रेशम का कीट मध्यम आकार का कीट होता है जिसका रंग सफेद है, क्रीम रंग का होता है। रेशम कीट का जीवन छोटे समय का होता है। इसमें 3 से 4 दिन के अंदर ही नर व मादा मैथुन करते हैं तथा अंडे देने के बाद मादा कीट मर जाती है। इसमें मादा कीट अंडों के साथ श्लेष्मी पदार्थ भी उत्सर्जित करती है जिससे रेशम के कीट के अंडे सैतूत के पत्तों पर चिपक जाते हैं। इसके बाद 10 से 14 दिन के अंदर ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा बहुत ही छोटे और कोमल होते हैं। ये तेजी से सैतूत के पत्तियों को खा करके अपने आकार में वृद्धि करते हैं। इसकी लार्वा अवस्था में ये 30 से 40 दिन के अंदर 3 से 5 बार निर्मोचन की क्रिया करते हैं। अंतिम बार निर्मोचन करने वाला लार्वा इंस्टार लार्वा कहलाता है तथा यह पूर्ण वृद्धि कर लेता है। इसके बाद यह खाना पीना छोड़ देता है और प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा रेशम कीट की वह अवस्था है जिसमें यह खाना पीना छोड़ देता है। इसके साथ ही यह चलना भी छोड़ देता है। अब यह सिल्क ग्रंथियों द्वारा बुने रेशम के धागे से अपने शरीर के चारों ओर एक कोकून बना लेता है। रेशम कीट कोकून का निर्माण 3 से 4 दिन में पूरा कर लेता है। रेशम इसे कोकून से ही प्राप्त होता है। एक कोकून से 1,000 से लेकर 1,500 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। इसकी प्यूपा अवस्था जिसमें यह आहार लेना बंद कर देता है, यह 10 से 15 दिन की होती है। इसकी प्यूपा अवस्था में लार्वा के अंग विघटित होने शुरू हो जाते हैं। इसके स्थान पर इसके वयस्क कीट के अंग विकसित होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यह वयस्क कीट कोकून को काट करके या फिर क्षतिग्रस्त करके बाहर निकल आता है। अब इस क्षतिग्रस्त कोकून से रेशम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को उबलते हुए पानी में डालकर रेशम के कीट को मार दिया जाता है जिससे वह अंदर ही मर जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके बाद ही रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के धागे में अधिकांश भाग यानी कि 75% भाग बड़े अघुलनशील प्रोटीन का बना होता है और इसका 25% भाग जिलेटिनी प्रोटीन का बना होता है। जिलेटिनी प्रोटीन गर्म जल में घुलनशील होती है। इसके अतिरिक्त रेशम के कुछ भाग में कैरेटिनोइड, वर्णक और मोम भी पाया जाता है। कोकून को जब गर्म जल में डाला जाता है तो उसमें जो पाया जाने वाला सिरिसिन फूलकर कोमल हो जाता है जिससे धागा खींचने में आसानी होती है। धागा खींचने के लिए उबाले हुए कोकून के धागे के सिरे पकड़कर एक साथ धागों को खींचा जाता है। यह कच्चा रेशम कहलाता है। सुखाने के बाद इसे पहले छोटी और फिर बड़ी चरखियों पर लपेट लिया जाता है। तो यार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।